आईजी आगरा निर्देशन में ऑपरेशन शिकंजा के तहत जनपद मैनपुरी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने भोगांव थाना क्षेत्र के गांव हसनपुर के पास जंगलों में अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करने वाले सरगना को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से 5 अवैध देसी तमंचा, 315 बोर 1 जिंदा कारतूस, 315 बोर 4 अधबने तमंचे व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण पुलिस ने बरामद किए हैं। सीओ भोगांव ने बताया कि पकड़ा गया अभियुक्त पप्पू उर्फ संपूर्ण नंद भोगांव थाना क्षेत्र के गांव तुलजापुर का निवासी है, जो पहले भी कई बार अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करने के जुर्म में जेल जा चुका है। पुलिस ने अभियुक्त पप्पू उर्फ संपूर्ण आनंद को विधिक कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। मैनपुरी से हरिओम चौहान की रिपोर्ट, प्राइमेटी न्यूज। ये जो असला बनाने की फैक्ट्री जो पकड़ी गई है, ऐसे कौन चला रहा था, कहाँ चल रही थी? आदरणीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय, आगरा के द्वारा जो ऑपरेशन शिकंजा अभियान चलाया जा रहा है, उसी के तहत ये कार्रवाई हुई है। शुरू से ही सर का जोर था कि जो भी तमंचे मिलते हैं उनके सोर्स का पता किया जाए, कहाँ से ये बनते हैं, कैसे सप्लाई होते हैं। इसी क्रम में हम लोग काफ़ी दिन से मुखबिर लगा रखे थे, क्योंकि ये जो पप्पू उर्फ संपूर्णानंद है जो पकड़े गए हैं वह शस्त्र फैक्ट्री के साथ, ये पूर्व में भी काम करते रहे हैं, 2016 में भी गए हैं, 2018 में भी, तो इनके ऊपर हमारी नज़र थी। कल रात में इनको पकड़ने में सफलता मिली है। इनके यहाँ से 5 अदद अधबने तमंचे, 5 बने तमंचे, 315 बोर के, 1 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 5 अदद अधबने तमंचा के ट्रेगर तथा और भी कई उपकरण, जो भी अवैध तमंचे बनाए जाते हैं उनके पूरे उपकरण मिले। इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए।